नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। निकायों में 1 सितंबर 2016 तक के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने, विभिन्न निकायों में 30 वर्षों से कार्यरत करीब 190 सामुदायिक संगठकों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाली, समयमान वेतनमान, एरियर सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आवाहन पर नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने मंगलवार को घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और एक दिवसीय काम बंद हड़ताल की। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने सफाई और पानी के काम को बाधित नहीं होने दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द निराकरण नहीं किया गया तो नगर निगम के पूरे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और शहर में पानी व सफाई व्यवस्था भी रोक देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। विदित हो कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को हड़ताल की जा रही है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव कपिल दुबे ने कहा कि 38 कर्मचारियों का विनियमितीकरण अभी भी बाकी है, जबकि महापौर ने इस पर स्वीकृति जता दी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। जबलपुर से संतोष कोरी की रिपोर्ट। पिछले 4 साल से हम अपने कर्मचारियों की इन लंबित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसके पहले भी आप जानते हैं कि हमने पहले भी बंद का आह्वान किया, लेकिन हमारी किसी बात को सुना नहीं गया। मजबूरन आज पूरा प्रांत बंद है, जबलपुर संभाग पूरा बंद है, मध्य प्रदेश पूरा बंद है, वहाँ सचिवालय का घेराव किया जा रहा है और हम यहाँ पर नगर निगम को बंद करके रखे हुए। मांग हमारी पुरानी है, वही है, बार बार हमको आश्वासन दे दिया जाता है पर उस पर कार्रवाई नहीं होती। 1 सितंबर 2016 तक के समस्त संवर्गों के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण, 1 सितंबर 2007 तक के समस्त विनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति में अघोषित कटौती बंद हो, सभी समयमान वेतनमान कर्मचारियों को 2008 से हमें भी प्राप्त हो, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आप स्थापना व्यय को 65 से 75% कीजिए सामान, और सफाई संरक्षक का स्थापना व्यय 75 से 85% कीजिए। हमारी मांग है चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि जो कट के हमको मिलती है वो पूरे प्रदेश में प्रतिमाह 420 करोड़ रुपए की राशि हमें प्राप्त होना चाहिए, जिससे हमारी तनख्वाह पूरी हो। हमारी मांग ये भी है कि जो प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी आए हैं उन्हें तत्काल उनके मूल विभागों पर पहुंचाया जाए, जो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की उनका अधिकार मारते हैं, उनको यहाँ से उनके मूल विभाग पहुंचाया जाए। हमारी मांग ये भी है कि 15 सालों से हमारे कर्मचारियों की विभागीय जाँचें लंबित हैं जो आज तक पूर्ण नहीं होती हैं। अधिकारी चले गए पर वो जांच लंबित हैं, पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? 38 कर्मचारियों का विनियमितीकरण बकाया है, माननीय महापौर परिषद माननीय अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकृति दे दी, सदन में स्वीकृति प्राप्त हो गई, लेकिन आज भी उनको वहीं रखा गया। कल जब हमने आखिरी मुलाकात की तो ये बताया जाता है कि उस पर कार्रवाई हो गई, आज आदेश मिलेंगे। तो क्या हमारे बंद का इंतज़ार कर रहे थे? हमारी मांग ये भी है कि आप क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ फैलाए हुए हैं कि किसी भी बात के लिए जब तक आयुक्त महोदय के पास हम ना पहुँचें वो कार्रवाइयाँ नहीं होती। कितनी मांगे हैं आपको? हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, लोकल 8 हैं और 8 जो हैं प्रांतीय हैं, जिस पर आज पूरा प्रदेश बंद है और संचालनालय का भी घेराव किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर एक दिवसीय काम बंद हड़ताल के लिए घोषित हमने यहाँ किया है, और आज यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो निश्चित तौर पर आज ही ये निर्णय संपूर्ण प्रदेश में कर लिया जाएगा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज हमने सफाई पानी को बाधित नहीं किया है, यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ये हमारी मजबूरी होगी कि हमें